रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ कॉलोनी के राजेश विश्वास की मौत के मामले में धरमजयगढ़ पुलिस और रायगढ़ साइबर सेल की टीम ने मिलकर मामला सुलझा लिया है और सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बालाजी अस्पताल मोआ रायपुर के ट्रामा सेंटर के मेल स्टाफ नर्स, मृतक की पत्नी, उसकी सहेली और धरमजयगढ़ निवासी एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम से चुराए एनेस्थीसिया की दवाई से ओवरडोज के इस्तेमाल करने अपने पुरुष मित्रों संग प्लानिंग कर मृतक की पत्नी और सहेली ने ही वारदात को अंजाम दिया था। 16 जनवरी को रायगढ़ जिला के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित धरमजयगढ़ कॉलोनी के 33 वर्षीय युवक राजेश विश्वास का शव उसके घर पर संदिग्ध परिस्थिति से बरामद हुआ था। जांच में मृतक के सीने में 6 बारीक निशान पाए गए थे जो किसी सिरिंग या सुई नुमा वस्तु का प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रिया से पूछताछ किया। प्रिया विश्वास ने पुलिस को बताया उसका पति राजेश कई महीने पहले लीवर संबंधी समस्या के चलते बालाजी अस्पताल रायपुर गया था, एक माह तक एडमिट रहा। इस बीच ट्रामा के स्टाफ नर्स फिरीज यादव उर्फ क्रिस से उसकी दोस्ती हो गई। फिरीज यादव उर्फ क्रिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट में स्वयं को डॉक्टर होना बताया है और एक फर्जी झोला छाप क्लिनिक का भी लोधी पारा क्षेत्र में संचालन करता है। प्रिया के मुताबिक फिरीज उसका हमदर्द है। जब भी उसका पति शराब पीकर उसे प्रताड़ित करता, वह अपने दोस्त फिरीज यादव से बात कर सारी बातों को बताती थी। वहीं प्रिया की बेस्ट फ्रेंड पड़ोस की पायल विश्वास भी फिरोज यादव से प्रिया के माध्यम से जुड़ने के बाद बातचीत करने लगी थी। प्रिया और पायल ने तय करके फिरीज से बात की और अपने एक अन्य दोस्त शेख मुइन खान निवासी धरमजयगढ़ को भी सारी बात समझाकर एनेस्थीसिया के ओवरडोज के जरिए राजेश की हत्या का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक फ्रिज के रुकने की व्यवस्था करने पायल ने कुछ पैसे नगद दिए और फोन पे के जरिए मुइन को दिए थे, जिसने स्वयं के स्थानीय होने का फायदा उठाते हुए धरमजयगढ़ के होटल सीएम पार्क में अपनी आईडी से फर्जी गेस्ट के नाम से रूम बुक करवाया था। वहीं फिरोज यादव और क्रिस बस से 14 जनवरी को रात में धरमजयगढ़ पहुंचा और मुइन ने उसे होटल में रुकवाया था। बाद में व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करके चारों ने 15 की रात राजेश की गतिविधि और रूटीन पर नजर रखी। 15 जनवरी की रात को जब राजेश शराब पीकर सो गया, उसके बाद प्रिया और पायल ने अपने साथी मुइन और क्रिस को खबर की, जिसके बाद मुइन अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर क्रिस को धरमजयगढ़ कॉलोनी स्थित राजेश विश्वास के घर ले गया, जहां पायल ने बाहर रेकी की तो प्रिया ने राजेश के पैरों को पकड़ा और मुइन ने हाथों को और झोला छाप डॉक्टर फ्रिज उर्फ क्रिस ने पहले से तैयार कर लाए दवाई के वायल को राजेश के सीने में 3 जगहों पर इंजेक्ट कर दिया। राजेश की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए ओवरडोज बढ़ाने फ्रिज ने राजेश सीने में दोबारा 3 बार और इंजेक्शन किया, जिसके बाद राजेश विश्वास का शरीर शिथिल पड़ गया और 15 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई, जिसका नब्ज चेक कर फ्रिज ने उसकी पुष्टि भी की थी। पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपी प्रिया विश्वास, उसकी सहेली पायल विश्वास, फिरीज यादव और शेख मोइन को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले 16 जनवरी को हमारे पास थाने में सूचना आई थी कि धरमजयगढ़ कॉलोनी के एक 33 वर्षीय युवक जिसका नाम राजेश विश्वास है, इनके संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी जो है इनका शव मिला था इनके घर पे। प्रारंभिक पूछताछ के लिए जब धरमजयगढ़ थाने से टीम गई थी तो उनको परिजनों ने पहले हार्ट अटैक होने का एक संदेह जताया था, परंतु पंचनामा कार्रवाई के दौरान जब बॉडी को देखा गया कपड़ों को हटा करके, उस समय जब हमारी बात हुई तो पीआई साहब स्वयं इसमें पीएम के दौरान जो है वो इसमें उपस्थित रहे, और जब बारीकी से देखा गया तो सीने में 6 पंक्चर मार्क्स थे जो कि किसी नुकीली वस्तु, पतली वस्तु, सुई जैसी वस्तु से आना हमको संभव लगा। डॉक्टरों ने भी इस चीज़ को जब देखा तो संदेह व्यक्त किया कि ये मामला कुछ और है, हार्ट अटैक नहीं कुछ और हो सकता है। इसके बाद फिर हमने इस मामले में वीडियोग्राफी कराई पोस्टमार्टम की, और पोस्टमार्टम जब किया गया तो देखा गया कि रक्त स्राव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ था हार्ट से, इससे ये स्पष्ट हुआ कि हार्ट में किसी नुकीली वस्तु से वार हुआ है, डॉक्टर ने ये ओपिनियन हमको दिया। प्रथम दृष्टया ही मामला हत्यात्मक प्रवृत्ति का हमको परिलक्षित हो रहा था। 17 तारीख को इनका चूंकि क्रियाकर्म का संस्कार था, 18 को हमने इसकी वाइफ को पहले जो है, चूंकि घर में वाइफ और ये थे और हमको जो आसपास के लोगों से जानकारी मिली थी तो उसके हिसाब से वाइफ पे शुरू से ही संदेह था।
वाइफ पे संदेह होने के कारण जब उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया, इनके मोबाइल्स की जांच की गई। मोबाइल्स में इन्होंने साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पहले ही काफी सारा डेटा डिलीट कर रखा था।